नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। कहते हैं कि युवाओं के द्वारा ही एक युवा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, या हम ऐसे भी कहते हैं कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए युवाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और शिक्षित युवा जब राजनीति में आता है तो एक बेहतरीन राजनीतिक समाज का निर्माण होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि युवाओं की भागीदारी से ही देश का विकास संभव है। आज हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, और हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री सुभाष अग्रवाल जी, जो इस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी जल्दी ही पिछले महीने, और आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। सुभाष अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो पूरे दुनिया के इतिहास में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक दल और सबसे ज्यादा राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं। अगर हम अन्य कंट्रीज की बात करें तो वो लोग ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में जॉब की नौकरी में बिलीव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा नए नए दल नए नए संगठन आते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ का युवा राजनीति से थोड़ा कटता है, वो राजनीति को बहुत नीचे तबके में देखता है, उसका स्तर नीचे पे देखता है, आप बताएंगे कि युवाओं का किस प्रकार से राजनीति में आना संभव रहेगा अगर एक हम बैकग्राउंड तैयार करें? देखिए, पहले मैं आपके कई सारे प्रश्न एक साथ हो गए थे तो मैं उनको अलग अलग उसका उत्तर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर राजनीति में पार्टिसिपेट भागीदारी करते हैं। इस संबंध में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतलब क्या है कि राजनीति में सहभागिता करने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में वो भारत है। चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है, तो वहां वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि भारत जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो युवाओं की यहाँ भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। और यह एक शुभ संकेत है। क्यों? क्योंकि शासन तंत्र में जहां पर कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए, जन कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं, और युवा अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, यहाँ के शासन तंत्र का हिस्सा बनना चाहता है, ये एक स्वस्थ परंपरा है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज जो है, आपने कहा कि युवा राजनीति में आए, ये कैसे संभव है? देखिए, पिछले खासकर शिक्षित युवा बीटेक एमबीए जो प्रोफेशनल्स हैं वो कॉर्पोरेट की तरफ जाते हैं या जॉब्स में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं इसके अलावा आपको एक और बात कहता हूँ कि गैर भाजपा सरकारों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, मैं उत्तर प्रदेश की बात पहले करता हूँ क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी विद्रूप सी हो गई थी। अगर आप कहीं इस प्रदेश के बाहर जाते या कहीं विदेश में जाते और अगर आप वहां पर पूछते कि राजनीति करने के लिए क्या वातावरण है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो लोग ये कहते कि वहां पर राजनीति तो बड़ी बेकार है, वहां माफिया राजनीति में है, गुंडे मार राजनीति में है, जातिवाद की राजनीति है। तो इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो जो छोटे तबके का व्यक्ति था वो राजनीति में जाने की सोच ही नहीं सकता था, जैसे किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वंचित है, शोषित है, उसको लगता नहीं राजनीति हमारे बस की नहीं है। और जो ऊपर एमबीए, जो आपका सवाल है कि जो एमबीए कर रहा है, प्रोफेशनल्स है, बीबीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, मेडिकल की शिक्षा कर रहा है, मतलब क्रीम टैलेंट है, जो समाज का जो क्रीम टैलेंट है वो राजनीति में आने से कतराता है, वो बोलता है हेट पॉलिटिक्स में, गलत लोग हैं। तो ये किसने तैयार किया? ये समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोगों ने ये वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार किया। लेकिन हमारी अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक स्वच्छ राजनीति, सेवा को राजनीति का माध्यम बनाया जा सकता है, ऐसी राजनीति को इंजेक्ट करेंगे समाज में और युवाओं के पास जाएंगे और उनको मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ेंगे। हमारा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप युवा मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, और आपसे तो बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, और छात्र संघ की भी राजनीति आपने की है काफी समय से। आप शायद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, तो एक लंबा समय आपने छात्र संघ से लेकर यहाँ तक आने में काफी लंबा समय व्यतीत किया है। इस समय जो युवा भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा से जुड़ रहा है,
उनको जोड़कर किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार करेंगे जो पहले की सरकारों में या पहले पार्टी में नहीं हुआ। देखिए, एक तो मैं छात्र संघ में के चुनाव में डायरेक्टली नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा की है और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में चुनाव नहीं होते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है जिसमें तमाम चुनाव के संचालन का मुझे अनुभव रहा है और पार्टी में भी बहुत लंबे समय से मैं नेशनल टीम में रहा हूँ, यूथ की यहाँ पार्टी के मेन टीम में प्रदेश मंत्री रहा हूँ, तो मुझे चुनावी राजनीति और भी संगठन की राजनीति का एक लंबा अनुभव है। आपका जो सवाल है कि किस प्रकार से राजनीति युवाओं को जोड़ेंगे कैसे, देखिए उत्तर प्रदेश के युवाओं ने पूरे दुनिया भर में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कला का क्षेत्र हो। तो उत्तर प्रदेश, मैंने जो आपको दो बातें बताई थी कि एक निचले तबके का जो युवा है वो राजनीति में नहीं आना चाहता, जो क्रीम टैलेंट है वो भी राजनीति से घृणा करता है, तो इस देश का हर एक नागरिक भारत को विश्व महाशक्ति बनाना चाहता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये पूरी युवा ऊपर के और ये नीचे की इतनी बड़ी आबादी राजनीति से घृणा करेगी और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो भारत विश्व महाशक्ति कैसे बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का, हाँ, तो आप उसी प्लेटफॉर्म, यस, ये हमारा पार्टी का ही सपना नहीं, ये हर भारतीय का सपना है, 125 करोड़ भारतीयों का सपना है। आप किसी से पूछिए कौन नागरिक बोलेगा कि हम भारत माता को विश्व महाशक्ति बनते नहीं देखना चाहते, लेकिन अब ये है कि इसको कैसे बनाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारा रूट मैप क्या है, हमारा प्लान क्या है, तो वो ये है कि देखिए पहला हमारा जो लक्ष्य है कि इन ये जो वर्ग है इतनी बड़ी आबादी में इनके भीतर एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास पैदा करना कि नहीं ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति से, सिर्फ पैसे की राजनीति से, सिर्फ माफिया से, गिरोह गैंग ये जो बना के सपा बसपा कांग्रेस करती थी इनसे ही नहीं, बल्कि सेवा को राजनीति का माध्यम बना करके, शिक्षा को राजनीति का माध्यम बना करके हम लोग इस प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं और प्रदेश को सिर्फ उत्तम प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जब गवर्नमेंट चली गई, जब भारतीय जनता पार्टी आई, तो हमने कई लोगों से कवरेज ली, कई पार्टी के कई लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बयान दिए कि समाजवादी पार्टी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी डिजिटल फोर्स बना रही है। आपने भी सुना होगा कि एक एंड्रॉयड है वो बना रहे हैं, गांव गांव युवाओं को जोड़ेंगे, कुछ टेक्निकल चीज आप यूज करेंगे अपने? देखिए जैसे समाजवादी पहली बात तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और एक मैं सक्सेसफुल, मेरे पिताजी किसान थे लेकिन मैं एक दिल्ली और लखनऊ में मैंने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ मैं, तो मुझे मार्केटिंग और ये जो डिजिटलाइजेशन है, राजनीति के अलावा इन सब चीज़ों का भी ज्ञान है। मेरा एक बहुत ही मानना है कि जो कंटेंट है ना, जो प्रोडक्ट है आपका, वही किंग होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो आप मार्केटिंग किस बात की करोगे? जैसे देखिए कांग्रेस मार्केटिंग के सारे हथकंडे अपना लेती है और इवन की डेटा तक लीक करा लेती है फेसबुक से, लेकिन उनका प्रोडक्ट आप जान ही रहे। तो जब प्रोडक्ट ही नहीं आपका ठीक है तो मार्केटिंग किस बात की करेंगे? जैसे ही वो कुछ ठीक करते हैं राहुल गांधी जी अगले दो दिन बाद कुछ गलती कर देते हैं, फिर वो मतलब वो रोज ही गड्ढा खोद रहे हैं और रोज ही भरने का काम कर रहे हैं, उनकी सारी ऊर्जा इसी में, यही हाल अखिलेश यादव जी के साथ। तो पहले आप तो संगठन को मजबूत बनाएंगे, इसकी क्वालिटी एक क्रीम लेयर बनाएंगे, उसके बाद इसका सोचेंगे। देखिए हमारा प्रोडक्ट की बात की ना, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का संगठन ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन हम इसको निरंतर मजबूत करेंगे। 1,46,000 बूथों पर, 13,000 सेक्टरों में, 1,400 मंडलों में, 92 जिलों में और 6 क्षेत्रों में और अखंड उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक सशक्त टीम हम लोग खड़ी करेंगे। ज्यादातर जगह है लेकिन क्या है, बीच में इसको लगातार ये निरंतरता का काम है, ये रोज रोज का काम है, हम रोज इस पर काम करते हैं, हम डेली काम करते हैं, हम तैयारी नहीं करते, हम तैयार रहते हैं, ये हम राउंड द क्लॉक इस पर काम करते हैं। अक्सर हमारे देश में सायराना अंदाज में पार्टी या पार्टी से बयान करते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये आपके संगठन पे भी लागू होता है और आप पर भी लागू होता है क्योंकि आपके साथ नौजवान और युवा ही हो रहे हैं, बताएंगे इसके बारे में कुछ कि क्या है? देखिए बात आपकी सही है कि भाई देखिए युवा तो किसी भी समाज की रीढ़ है और ये गर्व की बात है कि
जो भारतवर्ष है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 65% आबादी वो 35 वर्ष से कम है। तो उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर प्रदेश की तरह देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा है। इवन आप ये कह लीजिए कि छठवां सातवां प्रदेश युवा जो है ये देश की तरह होगा पूरी दुनिया में। तो इस युवा शक्ति का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में और तो होगा ही। और हमारे पास एक खास बात है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास राष्ट्रवादी युवा है, हमारे पास चरित्रवान युवा है, हमारे पास भारत माता की जय बोलने वाला युवा है, हमारे पास वंदे मातरम बोलने वाला युवा है, हमारे पास देशद्रोहियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने वाला युवा है। ये युवाओं की और राष्ट्रभक्तों की संगठित फौज के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और भारत को विकास के और राजनीति के एक अच्छे स्वरूप के राजपथ पर फास्ट ट्रैक में और फास्ट स्पीड पर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपने राष्ट्रवादी बोला, आपने बोला कि वंदे मातरम बोलने वाले नहीं है, गर्व से बोलते हैं। आप शायद जिस सियासत जो देश में चल रही है इस समय, एक अलग संप्रदाय को लेकर देश में आंदोलन हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में देखा कितने लोग मारे गए, आप जानते हैं दलित समुदाय को लेकर। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी दलित पुत्र अवार्ड दिया गया, डॉक्टर राजीव प्रसाद मुंडा ने दिया, तो ये भी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही तो है, हमारे जो भी ये समुदाय जो अपना है। हाँ, अरे ये सारे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म और इसकी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो भारत माता से प्रेम करते हैं, किसी जाति संप्रदाय के हैं उनकी पार्टी है, और किसी जाति और संप्रदाय में रहने वाला जो भारत माता की जय नहीं बोलता है उसकी पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ आप समझ लेते हैं, ये किसी धर्म और जाति की पार्टी नहीं है। ये जो भारत माता को प्रेम करते हैं, जो अपनी सेनाओं को प्रेम करते हैं, जो भारत की को विश्व महाशक्ति देखना चाहते हैं, जिनमें राष्ट्रप्रेम भरा है, उनकी पार्टी है। अभी कुशीनगर में कल इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए कोई कुछ कहना चाहेंगे आप उन परिवार वालों के लिए उनके? देखिए ये बहुत दुखद है, और चूंकि वो क्षेत्र हम लोगों वैसे के बिल्कुल बगल में है, हमारा पर्सनल जुड़ाव भी बहुत है, तो ये हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। बहुत गहरी संवेदना उन बच्चों के प्रति है और मन बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही, जैसे घटना का संज्ञान हुआ, तुरंत उन्होंने प्रशासन को ये आदेश दिया कि जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पे तुरंत की जाए और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। और ये बहुत दुखद है उन परिवारों के लिए, हम सब लोगों के लिए। हमारे देश के युवाओं के लिए कोई मैसेज? देखिए देश के युवाओं को हम लोग, हम सब देश के जो युवा हैं, इनके इनको एक दो चीज़ों पर केवल ध्यान आकर्षित करना है कि बहुत सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें, बहुत सारी युवाओं में विखंडन करने वाली ताकतें सक्रिय हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अभी पिछले 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में भारत बंद के दौरान किस तरह से अराजक तत्वों ने टेंशन क्रिएट करने का काम किया और उनको राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त। आपने भारत बंद की बात की, इस बार हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे डिफरेंट तरीके के होर्डिंग मैंने यूज किए हैं। सर आपने देखा हो कि एक होर्डिंग मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, कि मुझे मंदिर से मतलब नहीं है, चाहे मंदिर बने चाहे ना बने, क्योंकि मंदिर में जो पैसा आता है तो पुजारी लेता है, उससे देश का और हमारा क्या फायदा होता है? नहीं देखिए क्या है कि फायदा नुकसान जैसे हर बात पे, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे माता पिता वृद्ध हो गए, हम उनको ले जाके बाहर लग देंगे, उनसे हमको कोई फायदा नहीं। हर बात को आपको पता है, एक व्यक्ति भी अगर आपके गांव में जाता है तो भी वहां से बस चलती है। सरकार भी फायदे नुकसान पे काम नहीं करती है, लोक कल्याणकारी सरकार है ये कॉरपोरेट में प्रॉफिट लॉस वाली सरकार नहीं है, और ऐसे समाज जीवन नहीं चलता है प्रॉफिट लॉस के आधार पर। श्री राम हम लोगों की आस्था के विषय हैं, ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी जो उनकी आस्था है उसका भी हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की आस्था का सम्मान। वहां पे अगर आप प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे कि मंदिर बनेगा, मस्जिद में क्या प्रॉफिट लॉस है, गुरुद्वारे में क्या प्रॉफिट लॉस है, इसको बंद कर दीजिए, अगर इस तरह की बातें तो अराजक तत्व करते हैं, मतलब ये तो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, इनको कोई महत्व नहीं देना चाहिए।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जी से बात हुई हमारी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से युवाओं को राजनीति में जुड़ना चाहिए और किस प्रकार से एक उनकी भागीदारी से एक बेहतर राष्ट्र का और राजनीतिक माहौल बनाया जा सकता है। सुभाष जी, आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।